वाह कितनी प्यारी तस्वीर आई है। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले। मुझे तो अभी से एप्लीकेशंस याद आने लग गई हैं। मर्करी वीनस ये क्या लग गया? ये चंद तो हमारे जानने वाले सितारों में से है, लेकिन प्लूटो जो कुछ साल पहले तक अपनी शनाख्त एक प्लैनेट की रखता था, अब नहीं। लेकिन क्यों? जानने के लिए हमारे साथ रहिए सिर्फ उलट पुलट न्यूज पर। उफला, ये कैसी कैसी बातें करते रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले प्लूटो के घर पर नैप का छापा पड़ा। ओह माय गॉड। जी हाँ, तहकीकात से हमें ये पता लगा कि प्लूटो ने अवाम को सालों से बुतू बनाया हुआ है। जी बिल्कुल, आपको धोखा दिया गया। नाजरीन, प्लूटो तो कभी सियारा था ही नहीं, बल्कि प्लूटो एक खुफिया सियारे का एक चांद था। ओह माय गॉड, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं प्लूटो के बारे में? जस्ट बिकॉज वो बेचारा छोटा सा मासूम सा है जिसका जो दिल करता है उसके बारे में फैलाना शुरू कर देते हैं खबर? आई थिंक दिस इज टू मच। आई थिंक अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे ही बेचारे प्लूटो की आवाज बननी पड़ेगी, उस बेचारे को इंसाफ दिलाना पड़ेगा कि लोगों को पता लगे कि भाई आखिर ये प्लूटो है क्या चीज। चलें दोस्तों, चलते हैं ऑब्जर्वेटरी की तरफ। पहले हम मिलके जरा प्लूटो को देख लेते हैं कि ये दिखता कैसा है। इसका ये देखें, ये है जी हमारा प्यारा सा छोटा सा गोल सा प्लूटो, और इसका कलर मोस्टली ब्राउन के मुख्तलिफ शेड से मिलके बना हुआ है। इस पे ज्यादातर बर्फ के पहाड़ हैं जो कि पत्थर जैसे सख्त होते हैं, और बड़े बड़े बर्फीले मैदान। तौबा, यहाँ कितनी ठंड होगी। ये जमीन से काफी छोटा है, इतना छोटा कि 6 प्लूटो मिले तो फिर कहीं जाके हमारी एक जमीन बनेगी। और प्लूटो आपको पता है जमीन से कितना दूर है? तकरीबन 7.5 अरब किलोमीटर, यानी 750 करोड़ किलोमीटर। और इस बेचारे को सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में पता है कितना टाइम लगता है? जैसे हमें एक साल लगता है ना, इसको 2, 3, 4, 5 इतने नहीं कि बेचारे को 250 यानी 250 साल लगते हैं एक चक्कर कंप्लीट करने में। बेचारे प्लूटो भाई तो थक ही जाते होंगे। ये जो प्लूटो हैं, इनका बड़ा सा चांद शैरन और इनके बाकी 4 चांद निजामे शमसी से बहुत दूर जगह पे पाए जाते हैं। उस जगह में मोस्टली पत्थर ही पत्थर होते हैं और उसको हम काइपर बेल्ट कहते हैं। प्लूटो की ये सब अच्छी अच्छी सी तस्वीरें कुछ ही साल पहले ली गई थी। जी हाँ, 2015 में हमने पहली दफा कैमरे की आंख से प्लूटो को इतने करीब से देखा था। ये कैमरा प्लूटो की तरफ भेजे जाने वाले पहले स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा था, और इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है न्यू होराइजंस। 2006 में लॉन्च होने के बाद न्यू होराइजंस ने एक 9 साल का लंबा सफर तय किया। हजारों सालों से इंसान आसमान में तारे देखते चले आ रहे हैं। इनमें से कुछ तारे दरअसल कुछ हफ्ते या महीनों में मूव करते रहे। हमने उन मूव करते हुए तारों का नाम सैयारा यानी प्लैनेट रखा। लेकिन पिछले 50-60 सालों में दूरबीनें ताकतवर होती चली गई, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चलती चली गई, और हमने देखा कि मैंने देखा कि आसमान में और भी बहुत सारे हिलते हुए तारे नजर आने शुरू हो गए। अब इस तरह चलें तो निजामे शमसी के सैयारों का नंबर तो 9 से 900 हो जाएगा। तो फिर 2006 में
साइंसदान सर जोड़ कर बैठे और उन्होंने कहा, आओ मिलकर प्लैनेट डिफाइन करें। तो प्लैनेट को पहली दफा 2006 में डिफाइन किया गया और मैं आपसे वो डेफिनेशन अब शेयर करने जा रहा हूं। तीन सवाल ये है कायनाती के, यस। आए तीन सवाल पूछें और प्लैनेट का रुतबा पाएं। पहला सवाल जमीन, हाँ हाँ बिल्कुल जमीन आपके लिए, जी हाँ आपके लिए। पहला सवाल, क्या तुम गोल हो? Yes! सही जवाब। दूसरा सवाल, क्या तुम सूरज के गिर्द गोल घूमती हो? Yes! करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। अब एक और सवाल रह गया है, जमीन क्या तुम तैयार हो? तीसरा और आखिरी सवाल, क्या तुमने अपने ऑर्बिट में सब कचरा और गंद साफ कर दिया है? Yes! तीनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त, तुम हो जमीन एक सैया। प्लूटो अब आप सामने आइए और तीनों सवाल का सामना कीजिए। पहला सवाल, क्या तुम गोल हो? यस। ओके। दूसरा सवाल, क्या तुम सूरज के गिर्द घूमते हो? यस। और तीसरा सवाल, क्या तुमने अपने ऑर्बिट में सब कचरा और गंद साफ कर लिया है? नहीं नहीं, तुमसे ना होगा। तो प्लूटो तुम तीसरे सवाल का जवाब नहीं दे सके, इसलिए तुम्हें हम कहेंगे ड्वार्फ प्लैनेट। तुम आज से बोने सैयारे हो, तुम आज से मेजर प्लैनेट नहीं हो, तुम हो प्लूटो द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट। तो जनाब ये था हमारा प्लैनेट को डिफाइन करने का क्राइटेरिया। ये तीन सवाल पूछे गए, कोई भी ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम का ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर अगर पूरा उतरे तीनों सवालों के जवाब वो दे सके, यस कर सके, तो फिर वो एक मेजर प्लैनेट कहलाएगा। कायनाती टुकड़ा। ओहो, क्या आप जानना चाहते हैं कि प्लूटो पे सूरज से आने वाली रोशनी कितनी मध्यम होती है? मजे की बात तो ये है कि आपको ये देखने के लिए मेरी तरह प्लूटो पे जाने की भी जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने आसपास रोज दिन में दो दफा ऐसी मध्यम सी धूप जमीन पे देख सकते हैं। बताऊं कैसे? तो जी, जमीन पे हर रोज सुबह होने से थोड़ा सा पहले और सूरज गुरूब होने के थोड़ा सा बाद हमारे आसपास उतनी ही लाइट होती है जितनी प्लूटो पर दोपहर के 12 बजे। उफ, आई थिंक मैं तो डिप्रेस ही हो जाऊं अगर मुझे प्लूटो पे रहना पड़े तो। Yeah, a magic ticket to unemployment and depression. ट्वेंटीएथ मई को आपने सूरज गुरूब होने के बाद शाम के टाइम बाहर जाना है और आपने आसमान में चांद देखना है। आपको चांद के साथ एक ब्लू से कलर का स्टार नजर आएगा, ये है स्पाइका और ये वर्गो कॉन्स्टेलेशन का सबसे ब्राइट स्टार है। अब इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि चांद और स्पाइका जैसे जैसे रात बढ़ेगी एक दूसरे के करीब आते चले जाएंगे, और अगर आप लेट से रात के 9:30 बजे जाके बाहर देखेंगे तो ये और करीब आ चुके होंगे। स्पाइका जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार है कि ये सूरज से 12,000 गुना ज्यादा ब्राइट है, लेकिन हमारे से 250 लाइट ईयर्स दूर है, इसलिए डिम नजर आता है। और ये तकरीबन सूरज से 7 गुना ज्यादा बड़ा है, और इसका बारे में पता ये लगा जब साइंसदानों ने इसको करीब से देखा कि एक्चुअली एक सितारा नहीं है, ये दो सितारे हैं, लेकिन वो जो दूसरा सितारा है वो आंख से नजर नहीं आता, उसके लिए खास तरह की दूरबीन चाहिए होती है। तो मून और स्पाइका का ये कंजंक्शन
ये इनका करीब आना आप 20 मई को शाम सूरज गुरूब होने के बाद आसमान में देख सकते हैं। I can see it. So, आज अरखम अली हमसे YouTube पे पूछते हैं कि what about Devil Comet? Where and when we can see it? Well, अरखम बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। So, एक दुमदार सितारा यानी कॉमेट हाल ही में सनसेट के बाद पूरी दुनिया से नजर आनी शुरू हुई थी और तो और हमारे पाकिस्तान से भी इसकी तस्वीरें खींची गई थी। इस कॉमेट का नाम है कॉमेट 12P पॉन्स ब्रुक्स। ये कॉमेट हर 71 साल बाद नजर आती है और इसको डेविल्स कॉमेट आपको पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि पिछले साल जब ये जमीन से काफी दूर थी तो इस पे एक इरप्शन हुई थी जिसके नतीजे में इस पे दो सींगों की तरह छोटी सी टेल्स बन गई थी और ये डेविल जैसा दिखना लग गया। इसी वजह से हम इसको डेविल कॉमेट कहते हैं। I am beautiful. इस एपिसोड में हमने बात की प्लूटो की। प्लूटो कैसा दिखता है, कितना बड़ा है और प्लूटो प्लैनेट क्यों नहीं है। इसके बाद हमने कायनाती टुकड़े में देखा कि प्लूटो के ऊपर जब फुल दोपहर होती है तो कितनी कम लाइट होती है और आखिर में आपके आसमान में हमने देखा चांद और एक बहुत ही प्यारे से स्पाइका नामी स्टार का कंजंक्शन जो आपको 20 मई की शाम को नजर आएगा। दोस्तों, इस कायनात में अगली कायनात की खबरें तक इंतजार करिए।